हेलो एवरीवन वन जय श्री कृष्णा मैं सुनीता अच्छा। आपका स्वागत करती हूँ आज हमारी चटोरी किचन में बनने जा रही है जोधपुर की प्रसिद्ध प्याज की कचौरी तो आइए स्टार्ट करते हैं प्याज की कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वन एंड हाफ कप मैदा लिया है ग्राम में देखा जाए तो ये तीन सौ ग्राम के करीब मैदा है इसी में मैं वन फोर टीस्पून अजवाइन डाल दूँगी जिसे हल्का हाथों से क्रश करके डालना है इसे टेस्ट अच्छा आएगा और इसी के साथ में मैं हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा कम नमक डाल रही हूँ और यहाँ मोइन के लिए आप घी ऑयल कुछ भी ले सकते हैं मैंने यहाँ चार से पाँच चम्मच ऑयल लिया है इसे हमारी कचोरी खस्ता बनेगी ऑयल को डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और चपाती बनाते हैं वैसा ही हमें डो लगाना है एकदम सॉफ्ट टाइट डो नहीं लगाना है इसे मिक्स करने के बाद में आपको मुट्ठी में ऐसे पैक करके देखना है ये देखो वो लड्डू नमा बन रहा है इसका मतलब हमने जो मोइन लगाया था वो एकदम परफेक्ट लगाया था और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका डो लगा लेना है एक साथ में हमें खूब सारा पानी नहीं डालना है अगर आपको मोइन कम लगे तो आप इसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं डो हमारा बनकर तैयार हो गया है ये देखिए एकदम सॉफ्ट इसको हम ढककर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं जब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल कर लिया है दो आलू चार प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है और दो हरी मिर्च बाकी मसाले मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी यहाँ मैंने पैन रख लिया है सूखे मसालों को हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा यहाँ मैंने वन फोर टी स्पून डाई ले ली है और वन फोर टी स्पून से कम मैंने यहाँ पर कैलौजी डाली है और इसी के साथ में जीरा वन फोर टी स्पून और साबुत धनिया लिया है इन सभी को हम हल्का भून लेंगे इन्हें अब हल्का हल्का भून लेते हैं हमें फ्लेम को स्लो ही रखना है तेज नहीं रखना है भूनने से इसका कचौरी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा ये सभी अच्छे से भून गए हैं अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद में इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे प्याज को हमने पहले से ही बारीक बारीक काट लिया है अब इन्हें आलू को अच्छे से छील लेते हैं और इनको अच्छे से हमें मैश करना है इनको छील के हम इसको आलू को मैश कर देते हैं यह मैंने पैन रख दिया है ऑयल हमारा आ गया है इसी में मैं हींग डाल रही हूँ वन फोर टी स्पून और जो हमने प्याज कटिंग करके रखे थे इसी में हम सारे डाल देते हैं और इन्हें हल्का फ्राई करना है इन्हें हमें जलाना नहीं है हल्का फ्राई करना है इन्हें अच्छे से चला लेंगे हम जोधपुर की प्याज की कचौरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है तो आप भी इस रेसिपी को देख के ज़रूर बनाइएगा अब इसी के साथ में हम ऐड कर देते हैं मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्ची बारीक बारीक काट ली है और इसी के साथ में मैंने थोड़ा अदरक भी क्रश करके डाल दिया है इन्हें भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इसी में मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी इसे क्या होगा प्याज जल्दी से भुन जाएंगे और जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएंगे आप भी इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा इसे हम चला लेंगे अब इसी के साथ में मैं यहाँ पे जो हमने आलू मैश करके रखे थे इसमें हम ऐड कर देंगे इसे आलू का कच्चापन भी निकल जाएगा इसे भी हम हल्का भून लेते हैं इसी में हम सारे मसाले ऐड कर देते हैं या मैंने नमक डाला है नमक और मिर्ची आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं या मैंने हाफ टेबल स्पून हल्दी और जो हमने सारे मसाले रोस्ट किए थे ये हमने दर दरा थोड़ा कूट लिया है इसको इसमें हम डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ये सारे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं अच्छे से भुन गए हैं इसी में हम खटाई ऐड करेंगे खटाई के लिए आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पे नींबू शत में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाला है अमचूर पाउडर से क्या होता है मसाला थोड़ा काला हो जाता है मैंने यहाँ पे नींबू का सत लिया है आप नींबू का रस भी ले सकते हैं इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद में यहाँ पे आप धनिया पत्ती इसमें डाल देती हूँ मैं ये हमारा मसाला बन गया है अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं इसी में हम थोड़ा सा टू पिंच गर्म मसाला ऐड कर देते हैं ये ऑप्शनल है इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं उसको हम ऐसे फैला के रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और अब हम डो को अच्छे से नीट कर लेते हैं डो को हम अच्छे से एक बार नीट कर लेंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए डो हमारा अच्छे से नीट हो गया है अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे जिस साइज़ की भी आपको कचोरी चाहिए उस साइज़ की हम इसकी बॉल्स बना लेते हैं मैं यहाँ पे मिनी कचौरी बना रही हूँ तो मैं मीडियम साइज़ के इसके पेड़े बना लूँगी डो वाली हमारी बॉल्स तैयार हो गई है अब हम स्टफिंग के भी हम पेड़े बना देते हैं इसके हमें डो वाली बॉल से थोड़े छोटे बनाने हैं ताकि स्टफिंग आराम से इसमें आ जाए ये देखिए ऐसे ही हम बनाने हैं इसी साइज़ में इसके थोड़े छोटे बनाने हैं ऐसे ही हम सारे बना लेंगे ये हमारे सारे तैयार हो गए हैं अब हमें क्या करना है हम डो वाला एक बॉल लेंगे ये हमने पेड़ा ले लिया है इसके हमें किनारे थोड़े से पतले करने हैं ये देखिए किनारे हम दबाते रहेंगे और बीच में से इसको थोड़ा मोटा ही रखना है ये देखिए ये बड़ा होता गया है इसको अब अपने हाथों के बीच में ऐसे लेके इसमें पेड़ा इसमें डाल के और इसको अंदर की तरह से प्रेस करना है क्योंकि बीच में से हमने बड़ा रखा है तो ये आराम से इसके अंदर से चला जाएगा और मसाला हम सारा इसके अंदर अंगूठे से अब दबाते रहेंगे और इसको पैक करते रहना है ये पूरा पैक हो गया है और इसको अच्छे से इसको ट्विस्ट कर देंगे हम ताकि मसाला अच्छे से बाहर नहीं निकले और अच्छे से ये पैक हो जाए ये हमारा पूरा पैक हो गया है और इसको अच्छे से इसको दबा लेंगे इसके एजेस को ये देखिए किनारी को आप थोड़ा थोड़ा आप दबा लीजिए ताकि थोड़ी पतली भी हो जाएगी ये देखिए ये हमारी कचौरी बनकर तैयार हो गई है ऐसे ही हम सारी तैयार कर लेते हैं यहाँ हमने सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर ली है और मैंने कढ़ाई में ऑयल भी रख दिया है जब हमारा ऑयल आ जाएगा तब हम कचौरिया निकालना स्टार्ट करते हैं ऑयल हमारा आ गया है अब हम एक एक करके कचौरी इसमें डालते हैं इसमें हमें फ्लेम को स्लो ही रखना है हाई नहीं रखना है हमें मैं यहाँ तीन कचौरियाँ डाल रही हूँ अगर आप छोटी कढ़ाई ले रहे हैं तो आप एक ही कचौरी डालकर इसे फ्राई करें ये देखिए बबल्स आने लग गए हैं जब ये कचौरी थोड़ी ऊपर आ जाएगी उसके बाद में ही हम इसे टर्न करेंगे उससे पहले हमें टर्न नहीं करना है ये देखिए ये ऊपर आने लग गई है ऑयल में तैरने लग गई है अब इसे हम टर्न कर लेंगे इसे बड़े आराम से इसको पलटना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए कचौरी के लिए हमें थोड़ा ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि ये पूरा अंदर से डीप हो जाएगी उसके बाद में ही अच्छे से ये फ्राई होगी ये देखिए हमने टर्न कर लिया है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए ये देखिए इसमें कलर आना शुरू हो गया है इसे हम कर्ची से थोड़ा सा इसमें ऑयल डालते रहेंगे तो ताकि अच्छे से ऊपर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए इसे हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसे पकाएंगे अब कचौड़ियों में बहुत अच्छा कलर आने लग गया है इस वक्त ही हमें इसे निकाल देना है इसे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है ये देखिए अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है ऐसा ही हमें चाहिए इसे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है हमें ये बहुत ही खस्ता और करारी कचौरी बनकर तैयार हुई है ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही फुली फुली कचौरी है ऐसी ही हम सारी कचोरियाँ बनाएंगे इन सभी को हम निकाल लेते हैं और सारी कचौरियाँ ऐसे ही हम बना देते हैं ये हमारा सेकंड बैच भी बनकर तैयार हो गया है ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही करारी फुली फुली कचोरियाँ हमारी बनकर तैयार हुई है इन सभी को हम निकाल लेते हैं इस बार आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा कचोरी ये हम सब निकाल लेते हैं हमारी सारी कचोरियाँ बनकर तैयार हो गई है बहुत ही क्रिस्पी है मैं आपको उसको तोड़ के दिखाती हूँ ये देखिए ये अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर